दोस्तों ये 38 साइज बस्ट है और इसका जो वेस्ट है ये 32 इंच है, जो वेस्ट है आपका 32 इंच है, ठीक है, और 38 साइज मेन बस्ट है और शोल्डर जो है आपका 14.5 है। अभी फिलहाल देखिए यहाँ पे 14 में रेडी है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत फैलेगा तो ये 14.5 हो जाएगा। लेकिन आपको इस ब्लाउज में एक चीज़ आपको बता रहे हैं, यहाँ पे कभी झोल नहीं आएगा, इसमें जो आपको रिंकल्स आता है या जरा सा भी रिंकल्स नहीं आएगा। देखो अभी ये पूरा फैला हुआ है और फ्लैट बैठा है, इसमें कोई रिंकल्स नहीं है, पहनने के बाद भी इसमें कुछ रिंकल्स नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगा इसमें। ऑलरेडी यहाँ पे 14 अभी हम फैला दिया, देखो 14.5 से 15 आसपास हो रहा है, ठीक है, तो इसमें बिल्कुल ही नहीं आएगा फैलाने से भी। यहाँ पे जो आपका रिंकल्स आता है अमोल में, ये बिल्कुल नहीं आने वाला है। और अभी देखिए जैसे इसको हम इसको ठीक ठाक रख रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये इधर कम हो रहा है, ठीक है। देखो अभी 13 में है, फैल अगर ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा तो भी 14.5 या 15 तक भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें जो रिंकल जो आता है आपका ब्लाउज में, इसमें बिल्कुल नहीं आने वाला है। इसमें आपको इसमें थोड़ा सा बता रहे, जो स्लिप जो हम कटिंग करते हैं, ये जो स्लिप कटिंग किया हुआ, इसका जो स्लिप है, जो स्लोप है, ये ज़्यादा लिया हुआ है दोस्तों। ये 4.5 इंच का स्लोप है, ठीक है, 3.5 का जो कटिंग हुआ है, इससे स्लोप जो है 4.5 इंच है, इसका वजह से रिंकल्स बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, बहुत परफेक्ट बैठेगा। और इसका जो कटिंग प्रोसेस है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इसमें आपको सिर्फ हमने इसका स्टिचिंग का पार्ट हमने दिखाया है, कैसे स्टिच करना है इसको, वो पूरा स्टिचिंग आप इसको अच्छे से समझिए और इसका नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरी कटिंग बताएंगे। इसमें जो कफ है, कफ लगा हुआ पूरा परफेक्ट फिट होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, कोई रिंकल्स नहीं आएगा। इसका जो नेक का जो डिप है ये आपका 10.5 इंच है, नेक डिप 10.5 इंच है, ठीक है। और पीछे जो है आपका बैक नेक है, बैक नेक रेडी जो है आपका, ये पूरा डिफ है, बैक नेक रेडी, सिर्फ यहाँ पे आपका केवल आप देखिए इसमें 3 इंच है, पूरा भी 3 नहीं है, मतलब उसको 3 इंच में कर लेते हैं, ठीक है, पूरा 3 इंच नहीं है, 2.75 है इसका जो है, 3.25 इंच है, ठीक है, 2.75 रेडी, मतलब पूरा डिफ है। ये जो ब्लाउज है आपका, ये बहुत डिफ है, 11.5 इसका डिफ है, ठीक है, बैक नेक। अब इसमें कफ लगा हुआ है, इसका जो फिनिशिंग प्रोसेस है बहुत अच्छा सा फिनिशिंग हुआ है, लेकिन स्टिचिंग मेन है। अब इसे कैसे स्टिच करते हो, इसमें अंदर से यहाँ पे पूरा सफाई के साथ है, ठीक है, ये देखिए, और इसमें कफ लगा हुआ है। तो आप इसको स्टिचिंग को देखिए हम कैसे स्टिच कर रहे हैं, आराम से इसको आप कर सकते हो इस तरह से स्टिचिंग, इसका जो बहुत अच्छा फिटिंग बैठेगा ये ब्लाउज आप। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम उसका कटिंग दिखा देंगे कम्प्लीटली, कैसे कटिंग करोगे आप खुद ही घर में कर सकते हो, इससे ज़्यादा टफ मेथड नहीं है, इजी मेथड है, ठीक है। और इसका जो आर्म होल है, ये आर्म होल है 17.5 का आर्म होल है, और इसका जो रेडी शोल्डर है आप देखिए, इसमें जो शोल्डर है, रेडी शोल्डर केवल आपका जो है ये आपका 2 इंच, ठीक, पूरा 2 इंच है, परफेक्ट रेडी शोल्डर जो आपका 2 इंच है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको एक बता रहे, ये इसमें रिंकल्स बिल्कुल नहीं आएगा, ये जो ब्लाउज है अभी देखिए जिस तक फैलने के बाद भी यहाँ पे जो झोल आता है, जमा होता है कपड़ा, यहाँ पे बिल्कुल कपड़ा जमा होने वाला नहीं है इस ब्लाउज में। बहुत लोगों का ये जो मेथड है, ये अलग मेथड से कटिंग की है, जो नॉर्मल जो हम लोग काटते हैं कि शोल्डर को कम करके कटना है, वैसे नहीं कटा हुआ ये, ठीक है, ये शोल्डर को कम करके नहीं कटा हुआ, ये शोल्डर बड़ा में ही कटा हुआ है, बड़ा में ही कटा हुआ है शोल्डर, लेकिन आगे भी बड़ा में कटा हुआ, पीछे भी, लेकिन इसमें कोई शोल्डर गिरेगा ही नहीं, ठीक है, शोल्डर गिरेगा ही नहीं, पूरा डिफ है। इसका मेथड अलग है, हम आपको बता देंगे, अब पहले मत ट्राई मत कीजिए, फिर कटिंग बताएंगे। फिर हम लोग जब भी डिप ने काटते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं, शोल्डर को पहले कम करते हैं, उसके बाद हम लोग काटते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है, शोल्डर पूरा लिया हुआ है, बड़ा ही शोल्डर लिया हुआ, उसके बाद कटा हुआ है, उसके बावजूद भी इसमें जो है आपका शोल्डर कभी नहीं गिरेगा, ठीक है। इसका मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अब इसका खाली स्टिचिंग आप समझिए। दोस्तों इस तरह से आप बनाइए, ट्राई कीजिए, घर में खुद से ट्राई करना है, ताकि फिटिंग इस तरह से आना चाहिए जैसे अभी दिख रहा है आपको, उसका जैसे फुलनेस कैसा बड़ा हुआ है, दिख रहे हैं
तरीके से प्रॉपर दिखना चाहिए 3D, तो ही आप इसमें प्रॉपर कफ वगैरह बैठा सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। ये स्लीव पार्ट है, ठीक है, और ये जो है आपका बैक है, इसमें कोई डार्ट नहीं है, डार्ट हमने रिड्यूस पहले ही निकाल दिया है ड्राफ्टिंग में। ये लाइनिंग है इसका, और ये जो है ना फ्रंट का योक पट्टी है, दो पीस में कटा हुआ, उसको फ्रंट में जोड़ना है आपको। ठीक है, फ्रंट में जोड़ना है क्योंकि आपका फैब्रिक को बचाने के लिए आपको इस तरह से अंदर का लाइनिंग को करना पड़ता है। और ये जो आपका कटोरी पार्ट है ऊपर का, जो जहाँ पे कफ लगेगा, ठीक है, तो ये इस तरह सा है, इसमें फिट हो जाएगा आराम से। पहले इसको जोड़ना है, देन आपको नीचे वाला योक के साथ जोड़ना है, योक पट्टी जो वेस्ट का। ये मेन फैब्रिक है, स्टोन वर्क हुआ है, इस तरह से रहेगा। ठीक है, और इसको ऑन फोल्ड में कटा गया है, कंप्लीट बनेगा, और इसका बैक ओपन है। तो इसमें थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा था, तो इसलिए हमने इसको काट के हटाया। प्रॉपर सीम रखना है आपको, जितना सिलना है उतना ही केवल सिलाई के लिए मार्जिन रखना है, जरा से भी एक्स्ट्रा नहीं, अगर नहीं तो आप गलतियां वहीं से शुरू होती है। जितना जरूरत है उतना ही आप रखिए, जितना आप सिलते हो उतना रखिए। अब इसको पहले इसको पेच करना है, मेन फैब्रिक के साथ अस्तर को पूरा पेच कर देना है। तरह से आप सारे पीसेस को रख के इसको पहले पैच कीजिए एक लाइनिंग, और एक जो लाइनिंग है वो अलग से आपको सिलना होगा, जो कि उसमें कफ लगाएंगे आप। ठीक है, तो इसमें एक लाइनिंग आपको डालना पड़ेगा। परफेक्ट कटा हुआ है, और जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा बड़ा कटा हुआ रहता है, ताकि पेच करने में आसानी रहे। और आफ्टर जब पेच हो जाएगा, उसके बाद जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको काट के आप निकाल दें, इसमें जल्दी जल्दी आप पेच कर सकते हो, तो इसको पेच करने में आसानी होता है, इसीलिए हम लोग एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हैं। इसमें आप मेन फैब्रिक का जो कफ पार्ट है उसको आप उसको जोड़िए, जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, और इसमें जो नोच है वो नोच को बराबर नोच में मिलना चाहिए, ऊपर नीचे दोनों का नोच है, जो पॉइंट है आपका डार्ट पॉइंट है बोलते हैं, या बस पॉइंट बोलते हो, अब उसको अच्छी तरह से मैच करके सिलाई करोगे। इसके बाद दोस्तों, इसमें सिलाई होने के बाद जो इसका जो मार्जिन जो एक्स्ट्रा है उसको प्रेस ओपन करना है, प्रेस करके उसको दोनों तरफ अलग अलग कर देना है, ताकि सामने से अच्छी तरीके से फ्लैट होगा। इसको प्रेस ओपन करके रखना है। कभी भी जनरली क्या होता है ना, आप एक साइड नहीं कर सकते हो, दोनों का एलिवेंस को एक तरफ नहीं कर सकते हो, इसको क्या करना है, हमेशा चीर देना है। ठीक है, उसमें ज़्यादा सफाई होता है, अच्छा क्लीननेस जो है दिखता है ब्लाउज में। उसी तरीके से लाइनिंग को भी स्टिच कीजिए, और सेम उसको भी सिलने के बाद उसको
प्रेस ओपन कर दीजिए सेम को, सेम तरीके से आपको करना है। दोस्तों एक चीज याद रखिए, जब भी आपको प्रेस ओपन करना है उसमें केवल एक ही स्टिच मारना है, सिंगल स्टिच मारना है, डबल नहीं मारना है। और सिंगल स्टिच मारोगे कम से कम 3 नंबर में अच्छा रहेगा, या 2.5 नंबर पे मारिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही बार मारना है, डबल नहीं करना है, नहीं तो प्रेस ओपन अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। इस तरह सा अच्छी तरीके से आप प्रेस ओपन कर दें, लाइनिंग में भी और मेन कपड़ा में भी, दोनों में आपको अच्छी तरह से प्रेस ओपन करना है तो अच्छा बैठेगा। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें परफेक्ट जो है ना 3D शेप आया है। जब भी आप कफ लगाते हो तो आपको देखना है कफ एरिया में अच्छी तरह से फुलनेस जो है आनी चाहिए। अगर फुलनेस अच्छी तरह से नहीं आ रहा है तो आपका जो है कफ सेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा फुलनेस होगा तो ही आप कफ लगाएं, अन्यथा कफ ना लगाएं। कप को इस तरह से आप हाथ से ही स्टिच कीजिए, उसका मिडिल निकाल के, लाइनिंग का मिडिल निकाल के और कप का मिडिल निकाल के उसको आप हाथ से स्टिच कीजिए, लेकिन बहुत टाइट ना करें, जस्ट वहाँ पे टक हुआ रहना चाहिए, ठीक है। उसको ज़्यादा टाइट भी नहीं खींचना है। अब इसमें देखिए अच्छी तरीके से सेट हुआ है कप जो है, उसमें कोई रिंकल्स नहीं है, एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है, क्योंकि इसका जो फुलनेस है बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा है ही नहीं है, तो इसका अच्छा बैठेगा। दोस्तों कप को आप मशीन से स्टिच ना करें, हाथ से टक करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद नेकलाइन को टर्न करना है, स्टिच करके उसको पलटी करना है नेकलाइन को। हमने पहले ही कफ लगा लिया है, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो, पहले नेकलाइन को स्टिच कर लेना और इसके बाद आर्म होल के तरफ से कफ को घुसा के उसमें टक कर देना है, ऐसे भी कर सकते हो। उसमें क्या होता है, आप सिलते समय आपको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, कंफर्टेबल लगेगा सिलने के लिए। तो नेकलाइन रेडी होने के बाद भी आप साइड से अमूल के तरफ से पलटी करके वहां से लगा सकते हो। इसमें हमने एक टॉप स्टिच दिया अभी, तो टॉप स्टिच देने से क्या होता है, आपका लाइनिंग फैब्रिक अंदर चला जाएगा और मेन कपड़ा जो है वो थोड़ा सा घूम के आएगा। तो नहीं तो क्या होगा, आपका अंदर का जो अस्तर का कपड़ा है वो बाहर से झांकने लगता है, तो इसीलिए आपको लाइनिंग के ऊपर टॉप स्टिच देना होता है।
दोस्तों जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट्स करना जरूरी है एक्चुअली, ताकि हमको समझ में आएगा किसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है और किस तरह से और अच्छा हम बना सकते हैं वीडियो, वो भी मेरे को पता चलेगा कहाँ पे समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो आपको कमेंट्स करने से मेरे को समझने में ज़्यादा आसानी होगा, तो कमेंट जरूर कीजिए। ये जो कफ है प्रॉपरली सेट हो गया, सेट होने के बाद आप क्या कहें इसको पेच कर दीजिए, दोनों नीचे का लाइनिंग और मेन कपड़ा को साइड से इसको पेच कर दीजिए। इसमें हम खाली स्टिच दिखा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका कटिंग दिखा देंगे, बहुत जल्दी आएगा नेक्स्ट वीडियो भी। तो इसमें हम खाली कटिंग स्टिचिंग खाली दिखा रहे हैं, आप उसको इसको अच्छी तरह से समझिए। देखिए देखिए अभी पूरा प्रॉपर फिट है, इसका शेप देखिए कैसा लग रहा है, बहुत डीप है, 10.5 इंच का नेक लाइन नेक है, फ्रंट नेक 10.5 से 11 इंच आसपास हो जाएगा आपका, ठीक है। अब बैक भी ऐसे इतना ही डीप है, रेडी बैक रेडी जो है आपका 2.5 इंच करीब 2.5-3 इंच आसपास है, ठीक है। इस तरह से आप इसको योक को यहाँ पे इसको सेट करना है। इस तरह से आप जब रखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसमें कितना सुंदर बैठेगा, आपको पता चल जाता है कि अगर कफ का एरिया अगर अच्छा से फिट हो गया तो इसमें बहुत अच्छा फिट हो जाएगा। ये जो सभ्यसाची का जो स्टाइल है, ये एक इसका एक बेसिक स्टाइल है अपना, इससे और भी आप बना सकते हो इसका अलग अलग जो डिजाइन से, उसी तरीके से हम आपको बताएंगे। इसमें हमने पहले देखो स्लैश किया, उसका जो जितना सिलाई का एरिया था हर जगह स्लैश किया, ताकि हम लोग जब इसमें अभी कप का एरिया को जब सेट करेंगे तो हम आसानी से उसको स्टिच कर सकते हैं। इसीलिए हमने जितना उसका मार्जिन छोड़ा गया था उसमें हमने स्लैश किया, ताकि उसमें जो ये है फ्री हो जाए, फैब्रिक वहाँ पे फ्री हो जाएगा, तो आप आसानी से सिलाई करते समय आप घुमा सकते हो कपड़ा को, इसीलिए हमने ऐसा किया। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए हमने मेन फैब्रिक को पहले स्टिच कर रहे हैं हम उसके ऊपर, और लाइनिंग को अंदर से अलग अलग से स्टिच करेंगे, दोनों अलग अलग करेंगे, पहले मेन फैब्रिक को करेंगे उसके बाद में लाइनिंग को करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा आसानी होगा। अब एक साथ करोगे थोड़ा सा 19-20 होगा तो प्रॉब्लम होता है। एक को पहले अच्छे से सेट करो, क्योंकि आपको फ्रंट का बोर्ड अच्छा से दिखना चाहिए, इसको पहले अच्छी तरीके से सेट करो, देन आप लाइनिंग को सेट करना। आराम से देखिए और बीच बीच में नापते रहिए प्रॉपरली, उतना जितना एरिया है उतना पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, उसको भी आपको ध्यान में देना है। नहीं पहुंच रहा है तो आप थोड़ा सा खोलिए और आपस उसको सिलना है। देखिए इसको इंड टू इंड अच्छा से मैच हो गया है। इस तरीके से दूसरे साइड को भी आपको स्टिच करना है, जैसे आपको हमने दिखाया है। इसमें भी देखियो कफ एरिया का जो योक पार्ट का जो मार्जिन है पूरा का पूरा आपको स्लैश करना पड़ेगा,
स्लेश नहीं करेंगे तो आप उसको बिठा नहीं पाएंगे। आप उसको स्लेश करके आराम से सिल के पलटी मारना है, तो सारा जो है ना कच्चा कपड़ा अंदर चला जाएगा, रो एज जो है अंदर चला जाएगा, इसलिए आपको इसी तरीके से पलटी करना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हम उसके हिसाब से और अच्छा कर सकते हैं। इस तरह से लाइनिंग को भी लगा दीजिए, अंदर से लाइनिंग को भी अंदर से इस तरह से सिलाई कर दीजिए पलटी करके। दोस्तों एक चीज़ और बता रहे हैं आपको, जब भी आपको कप लगाना है इसका जो डार्ट का जो एरिया है वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि उसमें ज़्यादा फुलनेस आए। ज़्यादा फुलनेस होगा तो आपका जो कप है अच्छा से फिट हो पाएगा। कम डार्ट होगा तो उसका जो 3D शेप जो है कम आएगा, ठीक है, जिसका वजह से आप जब कप लगाते हो वहाँ पर प्रॉपर शेप नहीं हो पाता है। इसलिए ये सब ब्लाउज में आप जैसे देख रहे हो बहुत अच्छी तरीके से डार्ट को क्लोज किया गया है, और इसका जो जितना भी एडिशनल डार्ट हम लोग लेते हैं कहाँ कहाँ पे लेना चाहिए वो सब बताएंगे, तो उसके हिसाब से प्रॉपर फिट होगा और गहराई भी उसका अच्छा बन के निकलता है। देखिए अंदर से भी पूरा फिनिश हो गया है, जैसे आपको सेट दिखाया इसी तरीके से आपको दूसरा साइड भी सेट करना है। एक साइड तो सेट हो गया है, दूसरा साइड भी आपको इसी तरीके से सेट करना है। दोनों साइड सेम स्टिच होना चाहिए, कोई कम बेसी नहीं। आप इसको एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी निकलेगा उसको आप काट नहीं सकते हो, नहीं हुआ तो दोबारा उसको खोलिए, रिपीट करना है कम बेसी होगा तो। ऐसा नहीं कि आप इधर ज़्यादा हो गया तो काट दें, ये गलत है टोटली, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फिटिंग आपका दोनों साइड बराबर नहीं आएगा, प्रॉपर फिट चाहिए तो आपको दोनों तरफ सेम ही आपको सिलाई करना है। देखिए इसको लग गया है। उसी तरीके से आप नीचे का लाइनिंग इस साइड का भी आपको लगाना पड़ेगा, जैसे हमने उस साइड का लगाया उसी तरीके से आपको दूसरा साइड भी लगाना है। इस भी आप देख सकते हो किस तरह से बैठा, प्रॉपर फिट, साइड में कहीं लूजिंग नहीं है। देखिए कप के बाहर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, पूरा परफेक्ट फिट है। कफ का शेप आपको दिखाई दे रहा है, अच्छी तरीके से फिट हुआ है। इस जगह पर जो है हम मेजर करें, देखो इस जगह पे 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रंट चेस्ट जो है
बस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखो इसका 14 है अभी, वो 14.5 इसका शोल्डर है, 15 तक भी चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, और इससे ज़्यादा फैल ही नहीं सकता ये, पूरा परफेक्ट बैठेगा। डीप भी काफ़ी है, 11 इंच है। तो इस पे जो है आपका प्रॉपर फिटिंग बैठेगा, आपको दिखाई दे रहा है अभी, देखिए वो फैल नहीं फैलेगा जितना होने से भी, आपका जो शोल्डर है और एक्स्ट्रा फैलेगा ही नहीं, उतना में फिक्स है। इसका फुल शोल्डर लेके हमने बनाया है और परफेक्ट फिटिंग, जैसे हम लोग शोल्डर को कम करके करते थे, इसमें कम नहीं किया गया है, फुल शोल्डर में ही कटा हुआ है। तो इस ट्रिक को जरूर देखिए आप नेक्स्ट वीडियो में।